मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पूर्व ही हेमंत सोरेन विधायकों के नाम पत्र लिखकर छोड़ गए थे, जिसे देर रात उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप अवगत हैं कि दिनांक 30 को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी भी विषम परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पड़ा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा जो सर्वमान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में सहमति भी जताई गई थी। हेमंत सोरेन आगे लिखते हैं कि बुधवार को ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैंने समन्वयक विचारोपरांत चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय किया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी विधायक गण राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे एवं अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में ही उपस्थित रहेंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।